हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नई तरह से मिल्क शेक की रेसिपी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कुछ मिक्स पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और मखाना, ये सब मैंने पीस के बनाया है। ये मेरे पास पहले से था तो मैंने इसको ले लिया है। आप चाहें तो खड़े मसाले को भी कट करके डाल सकते हैं। और मैंने एक गिलास दूध लिया है और ये मैंने दो पेड़े लिए हैं। इस रेसिपी के लिए दो पेड़े बहुत हैं। आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप एक पेड़ा और इसमें ले सकते हैं। तो मैंने दो पेड़े ले लिए हैं। तो मैंने गैस जलाकर भगोने में दूध रख दिया है। अब इसमें पेड़े और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो पेड़े को इसी तरह से तोड़ के हम डाल देंगे। आप चाहें तो इसको ठंडे दूध से बना के पी सकते हैं। इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको इसी तरह से ग्राइंड करके और ठंडा ठंडा इसको बना के पी सकते हैं। ये उस तरह भी बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन मैं इसको गर्म करके बना रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें एक उबाल आ गई है और इसको अब 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा दूध बनके तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें बादाम अकेले डालकर इसको बादाम शेक की तरह बना के पी सकते हैं। अब मैंने 2 गिलास लिए हैं और उसमें ये गरम गरम दूध डाल देंगे और ऊपर से थोड़े से कटे हुए पिस्ता की कतरन डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कम मेहनत में ये कितना टेस्टी सा मिल्क शेक बन के तैयार हो गया है। और आप इस तरह से बनाइए और मुझे कमेंट करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।